प्रयागराज के खिरी में छात्र सत्यम की हत्या के बाद आज तीसरे दिन माहौल शांत रहा। खिरी बाजार में आज सभी दुकानें खुली हैं और इलाके में चहल पहल भी पहले की तरह रही। एहतियात के तौर पर गांव के मुख्य बाजार में RAF और पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस अधिकारी खुद मौके पर मौजूद हैं और पूरे मामले पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज SP कर्चना और कई प्रशासनिक अफसर पीड़ित परिवार से भी मिले और उनको इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। देखा जाए तो कमिश्नर रमित शर्मा ने दो समुदायों में टकराव की स्थिति को जिस तरह से संभाला वो काबिले तारीफ है। और कमिश्नर रमित शर्मा घटना की रात से लेकर आज सुबह तक खिरी में ही कैंप कर रहे थे। नवी क्लास के छात्र सत्य की हत्या के आरोप में पुलिस ने ग्राम प्रधान यूसुफ सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित का सीधा कहना है कि आरोपियों के घर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी चाहिए। आज इलाहाबाद की सांसद रीता बहुगुणा जोशी भी पीड़ित परिवार से मिली और घटना का पूरा जायजा लिया। रीता जोशी ने मृतक छात्र सत्यम की मां और बहन को भरोसा दिलाया कि उनका पूरा न्याय दिलाया जाएगा। वंदे भारत से कलीम की रिपोर्ट।